डिफरेंस बिटवीन वाले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल की शेप हमेशा फिक्स होती है, या तो वो स्क्वायर शेप में होती है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होती है, लेकिन एनिमल सेल की शेप फिक्स नहीं होती, वो या तो राउंड शेप में होती है या फिर इरेगुलर होती है। अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। और सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल की शेप चेंज नहीं हो पाती, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो उसका शेप जो है चेंज भी हो सकता है। प्लांट सेल में प्लाज्माइड प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लाज्माइड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में बहुत ही कम मेटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में बहुत ही ज़्यादा मेटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ऑब्वियस है कि प्लांट सेल को एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए उसमें मेटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल की साइज़ बहुत बड़ी होती है कंपेरिजन वाइज अगर हम देखेंगे तो, लेकिन एनिमल सेल की साइज़ छोटी होती है। प्लांट सेल का जो फूड होता है वो खुद वो सिंथेसाइज करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बना लेता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन एनिमल सेल का ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद सिंथेसाइज नहीं करता, तो ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऐसे ही अगर आपको और कंटेंट देखना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो BIV केदार यूट्यूब या फिर साइट BIV केदार, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।